कोई पूछे तुमसे कौन हूँ मैं, बस कह देना कुछ खास नहीं। एक दोस्त हूँ कच्चा पक्का सा, एक झूठ हूँ आधा सच्चा सा। ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ हैं जो अक्सर से दोस्ती के लिए मशहूर भी रहे हैं और दोस्ती के कारण बदनाम भी रहे हैं। आइए बताता हूँ कौन है वो मेरे साथ। वो है मिस्टर विवेक ओबराय जो आज दिल्ली में। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपका, वो आपकी कविता सुनकर बहुत कमाल है। आपने खुद लिखी है? खुद नहीं लिखी है, सुनी थी वो आपके लिए मैंने, आप पर बयां कर दी। कैसा लगा रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है दिल्ली में आकर, यहाँ की क्राउड, यहाँ की एनर्जी, यहाँ के लोगों से मिलकर हमेशा ही मजा आता है। दिल्ली बहुत एक दिलवालों का शहर है, सो आई एंजॉय इट। फैशन वीक ही कारण था कि कुछ और भी कारण था? फिल्म, आपकी फिल्म आ रही है क्या? प्रमोशन तो चली रही है, मैं दिल्ली में कल था प्रमोशन के लिए, लेकिन आज खास मैं रोहित और राहुल जो डिजाइनर्स हैं मेरे, बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमेशा उन्हीं के सूट्स पहनता हूँ मैं, हमेशा वही मुझे ड्रेस करते हैं। तो आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा फैशन शो था। मैंने कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आके सपोर्ट करें, तो मैं आया हूँ आज। फिल्म की बात तो बहुत हो गई, फैशन की बात करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक रिसर्च करा था, उसमें मालूम चला था कि जहाँ वर्साचे, जहाँ डॉल्सी गबाना स्टैंड होता है, वहाँ इंडियन कभी फैशन इंडस्ट्री ग्लोबल पहुँच गई है मगर वहाँ तक नहीं पहुँची। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कुछ कमियाँ हैं या कुछ अभी भी हम वहाँ पहुँचने में? मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस मामले में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि क्वालिटी वाइज, जैसे कट वाइज, जैसे पहले हम हमेशा सोचते थे कि अच्छा सूट चाहिए तो विदेश से लेना पड़ता, आज अच्छा सूट हिंदुस्तान में बढ़िया बनता है, अच्छे कपड़े बनते हैं, अच्छी क्वालिटी बनती है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा फैशन इंडस्ट्री को, इंडियन फैशन इंडस्ट्री को इंटरनेशनली ग्रो करने में, मच्योर होने में, और धीरे धीरे करके हिंदुस्तान जैसे हर फील्ड में अपना नाम एक कायम कर ही लेती है, मुझे लगता है फैशन में भी कर लेगी। बॉलीवुड ने भी आज नाम कायम कर लिया है ओवरसीज़, पहले लोग हंसते थे कि यार बॉलीवुड की फिल्में भी कोई फिल्में होती हैं, आज सारी दुनिया देखती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपने समय से बहुत कुछ सीखा है और कुछ ना कुछ सीखते ही जाते हैं, समय से भी सीखा है और वैसे वाले समय से भी आपने ज़रूर सीखा है। तो आप अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग कितना इवॉल्व समझते हैं फ्रॉम द लाइन, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज आपके आस पास इर्द गिर्द घूमती आती रहती है, फिलहाल आज तो नहीं है, पीछे छोड़ दिया मैंने, सब जितनी कॉन्ट्रोवर्सी थी, जितनी घिरती थी, सब पीछे छोड़ दिया। मुझे लगता है कि समय जो है, ज़िंदगी जो है, बहुत कुछ सिखाती है, सीख सिखाती है। अब आपके ऊपर आप सीखें कि नहीं सीखें, तो मैंने सोच लिया कि सीखना है, मुस्कुराना है, मस्त रहना है ज़िंदगी में, पॉजिटिव रहना है। तो जो बकवास है, जो कचरा है ज़िंदगी का, जो बोझ हम ढोते हैं, काफ़ी चीज़ें जो नेगेटिव एनर्जी हम अपने पास रखते हैं, उसे फेंक कर पीछे छोड़ कर आगे दौड़ो और फील द विंड ब्लोइंग इन योर फेस। आप ऐसा नहीं सोचते कि आप खुद एक बहुत हम्बल इंसान हैं, इसलिए आपके साथ कॉन्ट्रोवर्सीज थी, मगर इस हम्बलनेस के कारण आपके साथ और चीज़ें बेहतर होती गई और आज यू आर काइंड ऑफ डूइंग। इंसान गलतियाँ करता है, सीखता है, जब तक आप सीखते हैं, जब तक आपको लगता है कि ठीक है यार मैं सिंपल आदमी हूँ, बहुत सिंपल आदमी हूँ लाइफ में, और मुझे लगता है कि लोग जब मुझसे मिलते होते यार तो यार फिल्म स्टार मिलते ही नहीं हो, ऐसे नॉर्मल जैसे बात करते हो, मीडिया वाले चाहे हो या फैंस हो, सबको लगता है यार आप खड़े रहकर हमसे बात कर रहे हैं नॉर्मल जैसे, सो पीपल गेट सरप्राइज, लेकिन आई लाइक दैट। मुझे लगता है कि जितने रियल हम रहें अच्छा रहता है। हम ज़्यादातर मायावी ज़िंदगी में रहते हैं जहाँ पे हमारी दुनिया ऐसी है कि बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं हमारी दुनिया की, जहाँ पर कैमरा कट होने के बाद भी एक्टिंग चलती है, मेकअप उतरने के बाद भी मुखौटे रहते हैं। तो ऐसी दुनिया में रियल रहना, एंकर्ड रहना, ज़मीन से अपने पैर रखे रहना, सटे रहना, अच्छी बात है। सबसे आखिरी सवाल और खास सवाल कि कब तक विवेक ओबराय सिंगल रहेंगे और कब शहनाई बजेगी? ये सवाल मेरी मॉम भी पूछती है मुझे। मैं सिंगल हूँ लेकिन और जल्दी नहीं, क्योंकि मज़ेदार फेज भी है ज़िंदगी का, यू एंजॉय बैचलर रोड पूरी तरह से एंजॉय करना, लेकिन मुझे लगता है कि जब घंटी बजेगी, जब वो लड़की आएगी मेरे सामने, अपने आप को जो कहते हैं ना एक घंटी बजेगी, बेल विल रिंग एंड मुझे पता चल जाएगा कि यही लड़की है ना, गेट मैरिड। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फैंस वाचिंग यू इनसाइड द कैमरा थ्रू सहारा सन, व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? एनी ब्यूटीफुल मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है 9 अप्रैल को, 9th April प्रिंस रिलीज हो रही है, बड़े पर्दे पर, बड़े म्यूजिक के साथ, बड़े अंदाज से, बड़ा मजा लीजिए, गो आउट टू द थिएटर्स, वॉच प्रिंस ऑन April 9th, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू।